तुमको लेट होएगा बाद में। और इसी हरने की जानिब से ओपनिंग बल्लेबाज है पांडो और कादर, काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज दोनों माने जाते हैं। और यंग बॉयज की जानिब से ओपनिंग गेंदबाज है मुस्तकीम, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी मुस्तकीम ने। सेमीफाइनल के मैच में देखते हैं फाइनल में क्या करिश्मा दिखाते हैं मुस्तकीम। फाइनल का मैच खेला जा रहा है एसवीआर हरने और यंग बॉयज के बीच में। पहली ओवर लेके आए यंग बॉयज की जानिब से मुस्तकीम, पहली गेंद मुस्तकीम की, पांडे पांडे खेले तैयार, काफी खराब गेंद और टीम का खाता इस वाइड से खुला है एक रन। और इब्राहिम भाई अजबा की जानिब से क्या जाशिम भाई जाकर के लिए 3 कैच पर 500 रुपए का इनाम दिया है जाशिम भाई जाकर। और अफान की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया है अफान के से 5000 तीन कैच पर। उधर रिवर्स स्वीप का ट्राई किया था पांडो ने लेकिन एक ही रन पर रुकना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। मैं हरने के पूरे टीम में मना से गुजारिश करता हूँ कि बांध पे से उठ के बांध के ऊपर चले जाए, आपको लगेगा तो बॉल डॉट दी जाएगी, एक भी रन नहीं मिलेगा, प्लीज कोऑपरेट करें अंपायर और सबको पीछे करो लबेब, पीछे पीछे सबको बांध के ऊपर करो। फिर से एक बार और गेंद हवा में ट्रैवल जासिम भाई उसके नीचे और काफी बेहतरीन कैच जासिम भाई ने पकड़ी है और 2 कैच बाकी है जासिम भाई की और 6000 के कागदार हो गए जासिम भाई। और कादर के रूप में पहला झटका लगता हुआ 2 रन के स्कोर पे उनकी जगह संभाल आए हैं मोहसिन, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मुस्तकीम। दो गेंदों में केवल 1 रन खर्च कर चुके हैं, 2 रन खर्च कर चुके हैं मुस्तकीम। पहली बार सामना करेंगे मोहसिन, काफी हार्डर बल्लेबाज माने जाते हैं हारने की जानिब से मुस्तकीम। पहली बार मोहसिन के लिए मुस्तकीम ने दौड़ना चालू किया, अंपायर क्रॉस किया, स्लोअर गेंद थी ढकेल दिया है ऑफ साइड की जारी में। और जासिम भाई कवर के लिए जाते हुए काफी अच्छा कवर दे रहे कीपर को जासिम भाई, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे जासिम भाई जाकर। इस ओवर की 3 गेंदें मुकम्मल हो चुकी है, स्कोर वही रुका हुआ 3 रन। अगली गेंद मुस्तकीम पांडू के लिए, पांडू खेलने के तैयार, अच्छी गेंद थी हवा में ढकेल दिया है डिक्लेरेशन जोन में 2 रनों के लिए। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन, अभी भी 2 गेंद आना बाकी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पांडू मुस्तकीम, अब तक 5 रन खर्च कर चुके हैं, अभी 2 गेंद आना बाकी इस ओवर की। मुस्तकीम भी अगली गेंद पांडू के लिए, पांडू खेलने उसे दोनों चल कर क्रॉस किया, ब्लॉक होल गेंद में गेंद थी पांडू समझ न सके, फिर से अच्छी डॉट गेंद, इसी गेंदबाजी की जरूरत थी यंग बॉयज को, ऐसी गेंदबाजी करना पड़ेगा यंग बॉयज को अगर जीतना है तो। काफी अच्छी गेंदबाजी काबिले तारीफ मुस्तकीम, फिर से एक बार पांडू के लिए, पांडू खेलने के लिए तैयार मुस्तकीम, पांडू मुस्तकीम ने दौड़ना चालू किया अपने को क्रॉस किया, स्लोअर गेंद पांडू ने पकड़ लिया है और आगे हवा टावते हुई काफी बेहतरीन हवाई षटकार। और ये पहला छक्का आता हुआ पांडू के गेंद, पांडू के बल्लों से काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पांडू, स्कोर जाता हुआ इस 6 रन के साथ 11 रन। एक और के खात में अटीस को जाता हुआ 11 रन। यंग बॉल की जानिब से अगली ओवर लेके आ रहे हैं मुकीत, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं मुकीत, देखते हैं पांडू और मोहसिन को रोक पाते हैं क्या नहीं। मैंने पहले ही कहा था
पांडू खाली छटकार में बातें करते हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पांडू। यंग बॉयज को भी मैच में बनना है तो दोनों का विकेट जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। मुकीत पहली बार सामना करेंगे मोहसिन। मुकीत दोनों चल नंबर क्रॉस किया, अच्छी गेंद हवा में ट्रैवल होते हुए फील्डर उसके नीचे, लेकिन ये बेहतरीन हवाई षटकार, बेहतरीन शॉट मोहसिन ने लगाया है 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, 6 रन, इस 6 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। मुकीत फिर से एक बार मोहसिन के लिए, मोहसिन खेलने के लिए तैयार, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे मोहसिन। मुकीत फिर से एक बार पटकी हुई गेंद हवा में उठा दिया है डिक्लेरेशन जोन में, अपना डिसीजन 2 रन। ये 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। दूसरी ओर जारी से पूरा कर रहे हैं मुकीत, काफी महंगे साबित हो रहे हैं अपने 2 गेंदों में, 8 रन खर्च कर चुके हैं मुकीत। फिर से एक बार मोहसिन मुकीत गेंदों का सामना करेंगे। मुकीत ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फिर से अच्छी गेंद धकेल दिया ऑफसाइड की जानी मोहसिन ने, 1 रन चुरा लिया उस बिंदु वाले, दूसरे की कोशिश और काफी खराब थ्रो और अंपायर ने डिसीजन दिया है 3 रनों का, 2 रन + 1 डिक्लेरेशन जोन में आती गेंद, टोटल 3 रन मिलेंगे इस गेंद पर, काफी महंगे साबित हो रहे हैं मुकीत। अभी तक 3 गेंदों में 11 रन खर्च कर चुके हैं मुकीत, स्कोर जाता हुआ 3 रन के साथ 22 रन। दूसरी ओर जा रही जिसे पूरा कर रहे हैं मुकीत, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पांडू और मोहसिन इस बार हमने की जानिब से। मुकीत फिर से एक बार मोहसिन के लिए, मोहसिन खेलने के लिए तैयार, मुकीत थोड़ा अपना फील्ड सजाते हुए, मुकीत ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फिर से स्लोअर गेंद थी मोहसिन पढ़ न सके और पैड में लगते कीपर के हाथ में आती गेंद, डॉट गेंद, इसी गेंदबाजी की जरूरत है, जितने आप डॉट गेंद डालोगे आप मैच के करीब जाओगे। अच्छी गेंदबाजी, आपने अच्छा बैकअप किया मुकीत ने। अभी भी 2 गेंद आना बाकी स्कोर का, स्कोर वही रुका हुआ 22 रन। मोहसिन फिर से एक बार मुकीत, मुकीत ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फिर से पटकी हुई गेंद नकेल दिया डिक्लेरेशन जोन में 2 रनों के लिए। 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। दूसरी ओर जारी से पूरा कर रहे हैं मुकीत, काफी महंगे साबित हो रहे हैं मुकीत। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी स्कोर का, अगली गेंद मुकीत की मोहसिन के लिए, मोहसिन खेलने के तैयार, मुकीत ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ब्लॉक होल में गेंद मोहसिन ने डिफेंड किया, ढकेल दिया लेग साइड की जानिब, उससे भी जोरे बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया है। अच्छी गेंदबाजी मुकीत की, स्कोर जाता हुआ 2 के हाथ में पर 25 रन। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग का, स्कोर जा पहुंचा है 2 के हाथ में 25 रन। काफी अच्छी बैटिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में, काफी अंडरस्टैंडिंग हो रही है रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। देखते हैं यंग बॉयज की जानिब से तीसरे ओवर के कौन आ रहा है, और कप्तान ने मासूम के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी है, देखते हैं मासूम कितने रन पे दोनों को रोक पाते हैं। तीसरी ओवर लेके आ रहे हैं मासूम, काफी अच्छी गेंदबाज माने जाते हैं यंग बॉयज के, मीडियम फास्टर माने जाते हैं मासूम। पहली बार सामना करेंगे मासूम गेंदों का मोहसिन, मासूम टू मोहसिन, मासूम ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद ढकेल दिया ऑफसाइड की जाने में, फील्डर उसके नीचे, 1 रन चला दूसरे की कोशिश, दूसरा भी रन मुकम्मल, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। तीसरी ओवर जारी से पूरा कर रहे हैं मासूम, मासूम फिर से एक बार मोहसिन के लिए, मोहसिन खेलने के तैयार, काफी ज्यादा मोड़ में लग रहे हैं मोहसिन।
वासून फिर से एक बार मोसिन के लिए, वासून दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में गेंद थी, डिफेंड किया मोसिन ने, ढकेल दिया एलेक्सा की जानिब, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। इस बीच एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी देखी जा रही है के जाने से मोसिन और पांडू के बीच में। अगली गेंद मासूम की पांडू के लिए, पांडू खेलने के लिए तैयार, मासूम दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फुल टॉस गेंद पांडू ने उछाला, फील्डर उसके नीचे, देखते हैं क्या जुड़ी का नहीं है, और एक काफी खराब फील्डिंग बाऊ की, उस भी दोनों ने दो रन चुरा लिया आसानी से। दो रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन, फाइनल का मैच जारी। स्कोर वही रुका हुआ 30 रन। मासूम फिर से एक बार पांडू के लिए, मासूम मासूम टू पांडू, मासूम ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फिर से अच्छी गेंद लेकिन ढकेल जाए सीधा लेग साइड की जानिब, आसानी से एक रन चुरा लिया है और केवल एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे बाउ की, चार बोलना, अभी भी दो गेंद आना बाकी इस ओवर की, स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। मासूम मासूम टू मोसिन, अच्छी गेंद, कट लग के कीपर के जाती पास जाती हुई गेंद, लेकिन एक रन रोकने से नहीं रोक पाएंगे। एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मासूम। तीसरी ओवर का आखिरी गेंद आना बाकी, मासूम मासूम टू पांडू, मासूम अपनी फील्डिंग सजाते हुए पांडू के लिए, फिर से एक बार मासूम मासूम टू पांडू, मासूम दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फिर से अच्छी गेंद पढ़ न पाए मांडू, और ये डॉट गेंद फिर से एक बार सीधा कीपर के हाथ में जाती हुई गेंद। तीन ओवर के खात्मे में टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। अच्छी गेंदबाजी की है मासूम ने, केवल 7 रन खर्च का है अपने इस ओवर में, अच्छी गेंदबाजी की है। अब देखते हैं आखिरी ओवर लेके शायद अजहर परकार के पास जाएंगे कैप्टन, और ये यंग बॉयज के मलिंगा अजहर परकार, मलिंगा स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं अजहर परकार। टीम मीटिंग ना करें यंग बॉयज, आप जितना लेट करोगे आपको ही तकलीफ होगा, अंधेरा हो रहा है, जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करा ले। तीन ओवर के खात्मे में स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। यंग बॉय की जाने से आखिरी ओवर लेके आए अजहर परकार, मलिंगा स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं, यॉर्कर मारने में माहिर है, देखते हैं मोसिन को रोक पाते क्या नहीं। मोसिन काफी जाना मूड में लग रहे हैं। अजहर अजहर टू मोसिन, अजहर ने दोनों चालू किया, स्लोअर गेंद थी पढ़ न सके मोसिन, और ये डॉट गेंद अजहर की, अच्छी गेंदबाजी, स्कोर वही रुका हुआ 32 रन। आखिरी ओवर जारी, इसे पूरा करे अजहर परकार, काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं अजहर परकार, एक तो मोसिन को रोक पाते या नहीं। मोसिन फिर से एक बार अजहर के लिए, अजहर दोनों चालू किया, अंपायर क्रॉस किया, अच्छी गेंद उठाला है स्ट्रेट, और सभी की लूज फील्डिंग, आसानी से एक रन चुरा लिया है। दो गेंदों में केवल एक रन खर्च किया अजहर ने अभी तक, अभी चार गेंद आना बाकी इस ओवर की। पांडू पहली बार सामना करेंगे अजहर की गेंदों का, अजहर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अजहर फिर से एक बार पांडू के लिए, अच्छी गेंद, गेंद हवा में ट्रैवल होती हुई, और ये नो मैच लाइन में गेंद गिरती हुई, आसानी से एक रन चुरा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे अजहर परकार, तीन गेंदों में केवल 2 रन खर्च कर चुके हैं, और इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। अजहर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक मोसिन को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे, और पांडू को भी
दोनों बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है। जिस गेंदबाजी की जरूरत थी यंग बॉयज को, वही नबीतुली गेंदबाजी अजर परकार, बेहतरीन गेंदबाजी आदर फिर से एक बार मोशन के लिए। अच्छी गेंद लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन लंबा हवाई षटकार लगाया है मोहसिन ने, बहुत ही बेहतरीन षटकार। अजर फिर से एक बार मोहसिन के लिए, पटकी हुई गेंद समझ न सके और अंपायर ने इसे ऑफ स्टंप के पास जाती हुई गेंद वाइड करार दिया है। इस वाइड के साथ एक स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। अजहर फिर से एक बार मोहसिन के लिए, मोहसिन खेलने के लिए तैयार। अच्छी गेंद समझ न सके मोहसिन और ये डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अजहर। एक तेरी तो दूसरी मेरी, देखते हैं। और आखिरी गेंद आ रहा बाकी इनिंग का, अजहर अजहर टू मोहसिन, ब्लॉक होल में गेंद डाली है, लेग साइड में ढकेल दिया है, एक रास्ता ने चुरा लिया है दूसरे की कोशिश और आसानी से, और अंपायर से अपील की जा रही है रन आउट के लिए, और अंपायर दोनों डिसाइड करेंगे रन आउट है या नहीं है। प्लीज अंपायर पर पेशेंट ना डाले, आप साइड में हो जाए। और ये केवल एक ही रन मिलेगा और रन आउट, पांडव रन आउट होते हुए, और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 42 और यंग 41 और यंग 41 और एसयू हरने ने 42 का टारगेट रखा है। 41 आता अभी का एक ही रन है, 41 वाइट पकड़ा है। पहला डॉट, दूसरा सिंगल, फिर सिंगल, छह वाइट, फिर डॉट, फिर वाइट, सॉरी फॉर एक रन। पहलो डॉट, दूसरा सिंगल, परत सिंगल, परत वाइट, परत डॉट, परत एक रन, डबल ना एक पन। 42 टारगेट है, 42। मैं एसयू हारने से कप्तान से गुजारिश करता हूं जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजा ले, ये टाइम बहुत कम है। और यंग बॉयज की कप्तान से गुजारिश करता हूं कि अपने दो सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पे भेजे। और इस मैच के मेन अंपायर है अफान बालाबाई और उसके अंपायर है लबीब शिरगांवकर। और इस जिनेर चषक को जिसने स्पॉन्सर किया है अतीब भाई जिनेर है, मैं उनका कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया इरफान या बॉयज ने, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने हमारे दावत को लब्बैक करके इस मैच को देखने को आए। अब जल्द से मैच स्टार्ट करा ले, वक्त बहुत कम है। चौबीस गेंदे और 42 रनों का टारगेट दिया है यंग बॉयज को एसवीआर हरने ने। और दोनों सलामी बल्लेबाज मुस्तकीम और रेहान, मुस्तकीम और निहाल, और हरने के कप्तान से गुजारिश करता हूं जैसे अपनी फील्ड सजा ले।
स्ट्राइक पे है निहाल, नॉन स्ट्राइक पे है मुस्तकीम। और एसवीआर हारने की जानिब से पहली ओवर लेके आए बाबा, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं बाबा। सेमीफाइनल में पांच ओवर का मैच, पांच रन का ओवर डाला था उन्होंने, केवल 37 रनों का टारगेट था और एसवीआर हारने ने उसको डिफेंड किया है। देखते 24 गेंदे और 42 रन का टारगेट दिया है, देखते हैं हारने डिफेंड करती है क्या नहीं। और स्ट्राइक पे है हार्ड हिटर बल्लेबाज निहाल काजी और नॉन स्ट्राइक पे है मुस्तकीम। पहली बार सामना करेंगे बाबा की गेंदों का निहाल। बाबा पहली बार निहाल के लिए, बाबा ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, लॉक होल में गेंद थी, समझ सके निहाल, एज लग किसी कीपर के हाथ में आती हुई गेंद और ये डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं बाबा। निहाल फिर से एक बार, बाबा बाबा ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फटकी हुई गेंद, कुछ समझ न सके। आपको मैच जीतना है निहाल तो लंबे लंबे हिट लगाने पड़ेंगे, डॉट गेंद से मैच नहीं बनेगा। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए बाबा, अभी तक स्कोर नहीं खुला है यंग बॉयज का। बाबा फिर से एक बार निहाल के लिए, बाबा ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा शॉट निहाल का ऑफ साइड की जाने में, दोनों बार एक रन चुरा लिया, दूसरे की कोशिश, दूसरा भी रन मुकम्मल, तीसरे का कॉल दिया है लेकिन मुस्तकीम ने रोक मना कर दिया है। इस दो रन के साथ टीम का खाता खुला है, स्कोर वही रुका हुआ दो रन, तीन गेंद मुकम्मल हो चुकी है इस ओवर की। अगली गेंद बाबा की, निहाल के, निहाल खेलने तैयार, बाबा ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद और स्टंप आउट होते हुए व्हाइट की कॉल, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया इस व्हाइट को और ये डॉट गेंद अंपायर और निहाल की जगह संभालने आ रहे हैं शमी। शमी काफी हार्डी बल्लेबाज माने जाते हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बाबा, स्कोर वही रुका हुआ दो रन, 42 रनों का टारगेट दिया है एसवीआर हारने ने यंग बॉयज को। चार गेंदे खर्च कर चुके बाबा इस ओवर की और 20 गेंदे और 40 रनों का टारगेट, 200 के एवरेज से खेलना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को, तभी इस मैच में जीत हासिल कर पाएंगे। बाबा फिर से एक बार, बाबा का सामना पहली बार समय, बाबा ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फुल टॉस गेंद ढकेल दिया ऑफ साइड की जानी, शमी ने अपना खाता खोला है एक रनों से और स्कोर जा पहुंचा इस एक रन के साथ तीन रन, पहली ओवर जारी से पूरा कर रहे हैं बाबा। आखिरी गेंद आना बाकी स्कोर की, बाबा फिर से एक बार मुस्तकीम के बाद दौड़ना चालू किया, अंपायर क्रॉस किया और एज लगते हुए डिक्लेरेशन जोन में आती हुई गेंद एक रनों के लिए, इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर चार रन पहली ओवर की समाप्ति पर। अभी भी 38 रन चाहिए, 18 गेंदे और 38 रनों की जरूरत इस मैच में जीतना है तो लंबे लंबे हिट लगाने पड़ेंगे। अब दूसरी ओर लेके आए रमेश, काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं रमेश, देखते हैं कितने रन खर्च करते हैं अपनी इस ओवर में। काफी बढ़िया गेंदबाजी की बाबा ने, केवल चार रन खर्च कर चुके और एक विकेट चटकाया है निहाल के रूप में। रम्या पहली बार सामना करेंगे समी, रम्या के गेंदों का, काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं रम्या, काफी लंबा रनअप है रम्या का, कीपर थोड़े फील्ड सजाते हुए अपनी समी के लिए। रम्या, रम्या टू शमी, रम्या ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट, एक रन आसानी से बल्लेबाज, उतनी बेहतरीन फील्डिंग अरमान की, इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर पांच रन, दूसरी ओवर चार इसे पूरा कर रहे हैं रम्या। अभी भी पांच गेंद आना बाकी इस ओवर के, रम्या पहली बार सामना करेंगे मुस्तकीम, रम्या के गेंदों का, मुस्तकीम का काफी हार्ड बल्लेबाज माने जाते हैं यंग बॉयज के, ओपनिंग में आते हैं, अब तक शांत है
देखते हैं कब हाथ खोलते हैं और छटका लगाते हैं। रमया फिर से एक बार मुस्तकीम के लिए, मुस्तकीम तैयार। रमया दौड़ना चालू किया, अंपायर क्रॉस किया, अच्छी गेंद लेग साइड में ढकेल दिया मुस्तकीम ने उसे एक रनों के लिए। एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। दूसरी ओवर जारी से पूरा कर रमया, अभी भी 2 गेंदें मुकम्मल हो चुकी इस ओवर की, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। समी फिर से एक बार रमया के लिए, रमया ने दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद पटकी हुई गेंद और अंपायर ने से ऑफ साइड के बाद जाते वाइड करा और लेग साइड अंपायर के पास जंपिंग की अपील थी और उन्होंने भी आउट दिया है और समी की जमा संभालने आया है मुकीत और ये वाइड गेंद है। स्कोर इस वाइड के साथ 1 रन के साथ 8 रन। दो गेंदे और 7 रन। दूसरी ओवर जारी से पूरा करे रमया, मुकीत काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं यंग बॉयज के, छटकार लगाने में माहिर है और इनका ये होम ग्राउंड है। देखते हैं 42 रनों का टारगेट पूरा करते हैं क्या। मुकीत रमया फिर से एक बार मुकीत के लिए, रमया दोनों जगह क्रॉस किया, अच्छी गेंद हवा की हवा में टार होते हुई फील्डर उसके नीचे और ये आसान सा कैच बाबा ने लिया है और रमया को मिलता हुआ ये तीसरा विकेट मुकीत की शक्ल में। और 2 विकेट के खाते में टीम का स्कोर 3 विकेट और रमया का ये दूसरा विकेट है। स्कोर वही रुका हुआ 7 रन। पंद्रह गेंदे और 35 रन। यंग बॉयज को इस मैच में आना है तो लंबे लंबे हिट लगाने पड़ेंगे। मुकी की जगह संभालने आए मासूम रमया, मासूम पहली बार सामना करेंगे रमोगे गेंदों का। रम्या अच्छी गेंदबाजी करते रमेश और बेहतरीन गेंद रम्या की, एज लगते सीधा स्टेज जाई, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। काफी अच्छी बेहतरीन फील्डिंग बाबा की, 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। अगली गेंद रम्या की मुस्तकीम के लिए, अच्छी गेंद और ये बेहतरीन शॉट सीधा हवाई छटका लगाया मुस्तकीम ने। मैंने पहले ही कहा था मुस्तकीम हवाई छटका जान मारने के लिए माहिर है, खास करके ऑफ साइड में बहुत ही बेहतरीन छटका लगाते हैं और ये 5 गेंदें मुकम्मल हो चुकी इस ओवर की, आखिरी गेंद आना बाकी। इस 6 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। आखिरी गेंद आना बाकी इस ओवर की, अच्छी गेंद और ये डिक्लेरेशन जोन में आती हुई मुस्तकीम के लिए 1 रन मिलेगा और एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। और 12 गेंदे और 27 रनों की जरूरत। और अभी आए हरने एक्सप्रेस अरमान, तीसरी ओवर लेके आए हुए और अपनी खुद की पहली ओवर लेके आए अरमान, 12 गेंदे और 27 रन। अरमान ने सेमीफाइनल के मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, केवल 1 ही रन खर्च किया था अपने ओवर में, 2 रन खर्च किए थे अपने ओवर में, काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी अरमान ने। देखते हैं अभी 12 गेंदे 27 रन कितने रन डिपेंड करते हैं अरमान। अरमान पहली बार सामना करेंगे मासूम, अरमान गेंद, अरमान दौड़ना चालू किया, अंपायर क्रॉस किया, अच्छी गेंद बहुत ही बेहतरीन शॉट और बहुत ही बेहतरीन कैच कादर भाई ने लिया है और मासूम के रूप में और एक विकेट जाता हुआ यंग बॉयज का, उनकी जगह संभालने आए खुद कप्तान अजहर परकार। और मासूम की जगह संभालने आ रहे हैं अजहर परकार,
अभी भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज जासम भाई जाकर जब तक पीछे है तब तक ये मैच एंगस के हाथ में है। अगली गेंद अरमान की, अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन, लेकिन गेंद हवा में, आसान सा कैच, देखिए अजहर पर कार आउट। अभी आए हार्ड हिटर बल्लेबाज इरफान की जासिम भाई जाकर, यंग बॉयज के टीम में इस बार खेल रहे हैं, लेकिन इरफान के बल्लेबाज है वो। और इब्राहिम भाई अजबा की जानिब से याशिमा गिर इनाम है, हर सिक्स पे 100 रुपया। मैं आपको बता दूं काफी अच्छे बल्लेबाज। अगली गेंद और बेहतरीन, पहले ही गेंद पे उठाया है और ये आसान सी कैच शिफत के हाथ में दिया है, और ये दूसरा विकेट, और ये हैट्रिक लेते हुए अरमान, और ये अरमान ने हैट्रिक लिए, मैं मुबारकबाद देता हूँ अरमान को इस टूर्नामेंट की, पहले हैट्रिक है ये, और फाइनल में लिया अरमान ने हैट्रिक, मैं मुबारकबाद देता हूँ अरमान को। उनकी जगह संभालने आए हैं जैन और बाउ जैन, और ये व्हाइट कलर दिया अंपायर ने ऑफसाइड में, ऑफसाइड की काफी बार जाती है गेंद, और व्हाइट कलर दिया है। एक रन की साथ टीम का बढ़ता है स्कोर 16 रन। जैन फिर से एक बार सामना करेगा अरमान की गेंदों का, अरमान दौड़ना चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फिर से अच्छी गेंद, और ये डॉट गेंद अरमान की, स्कोर वही रुका हुआ 16 रन। चार गेंदें मुकम्मल हो चुकी है इस ओवर की, अभी दो गेंद आना बाकी, 8 गेंदें और 26 रनों की जरूरत। अरमान फिर से एक बार बाहू की, बाहू खेलने के तैयार, फिर से पटकी हुई गेंद उछाल आया हवा में, कोई नहीं है, लो मैच लाइन में गेंद जाती हुई, दो रन आसानी से दोनों बल्लेबाज चुरा लिया, तीसरे की कोशिश लेकिन रोक दिया है, मना कर दिया मुस्तकीम ने। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, अरमान डिबाओ, फुल टॉस गेंद और नो की मांग, और हम पैरने से नो करार दिया है, इस गेंद को नो करार दिया है अंपायर ने, नो प्लस 2, टोटल 3 रन। स्कोर जा पहुंचा है 3 रन के साथ 21, 7 गेंद और 21 रनों की जरूरत। बाहू फिर से एक बार, अच्छी एक ब्लॉक होल में गेंद थी, अच्छा शॉट लगाया है, एक रन आसानी चुरा लिया है, दूसरे की मांग, और केवल एक ही रन मिलेगा, और जैन रन आउट होते हुए पॉइंट में वापस, और 6 गेंदों में केवल 20 रनों की जरूरत, 6 गेंदें और 20 रन, और उनकी जगह संभालने आए आफान परकार। अफान परकार पहली बार सामना करेंगे दानिश के गेंदों का, आखिरी ओवर लेके आए हैं एसबीआई हारने की जानिब से दानिश काफी अच्छी गेंदबाज, मलिंगा स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं, बेहतरीन गेंदबाज है एसबीआई हारने के, उतने ही बेहतरीन बल्लेबाज स्ट्राइक पे मौजूद है, ओपनिंग में आए थे मुस्तकीम, देखते हैं 6 गेंदों में 20 रन बना पाते कि नहीं। और मुस्तकीम के लिए इनाम आया है पर 6 पर 100 रुपए कादर भाई की तरफ से आए, पहले गेम पे 500 का इनाम है। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट, नो मैच लाइन में गेंद गिरती हुई, एक रन आसानी चुरा लिया है, केवल एक ही रन मिलेगा, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दानिश। दानिश फिर से एक बार अफान के लिए, अफान खेलने के लिए तैयार, फटकी हुई गेंद, उतने ही बेहतरीन शॉट, नो मैच लाइन में गेंद गिरती हुई, एक रन आसानी से चुरा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने, 4 गेंदें और 18 रन की जरूरत, 4 गेंदें और 18 रन। स्ट्राइक पे हार्ड बल्लेबाज मुस्तकीम, देखते हैं लंबे छटका मारने माहिर है मुस्तकीम। दानिश फिर से एक बार मुस्तकीम के लिए, और ये पटकी हुई गेंद, समझ नहीं सके मुस्तकीम, फिर से डॉट गेंद, 3 गेंदे और
18 रनों की जरूरत, तीन गेंदों में तीन छटकार चाहिए अगर इस मैच में आना है तो यंग बॉयज को। देखते हैं मुस्तकीम बना पाते क्या नहीं। दानिश फिर से एक बार मुस्तकीम के लिए, दानिश ने थोड़ा चालू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फिर से फटकी हुई गेंद, कुछ समझ नहीं सके और ये स्टंप पर होते हुए पहले में वापस उनकी जगह संभाले आए हैं जैन। और जैद काजी की तरफ से 100 रुपए का इनाम जैम के लिए हर सिक्स पर। जैद जोगी की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है जैम के लिए। अरे वाइड गेंद, हम पर वाइड है, डॉट है, अरे डॉट गेंद, आखिरी गेंद और ये आखिरी गेंद इस इनिंग की, और ये वाइड दिया है अंपायर ने डिसीजन, और दो गेंद आना बाकी इस ओवर की। जैम फिर से एक बार, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट जैन का एक रन के लिए। अफान प्रकार अजहर की तरफ से एक सिक्स पे से 500 रुपए का इनाम आया है अफान प्रकार के लिए अजहर की तरफ से। हाजी काजी की तरफ से 1000 रुपए एक सिक्स, हाजी काजी एक सिक्स 1000 रुपए। दानिश फिर से एक बार अफान के लिए, और ये वाइट हाजी काजी, हाजी काजी 5000 एक सिक्स पे। बैट को बॉल लगा तो आखिरी गेंद का खेल बाकी इस इनिंग का। दानिश अच्छी गेंदबाजी कर रहे अभी तक, जकड़ के रखा है बल्लेबाजों को, एक भी रन नहीं दे रहे। अच्छी गेंद और एक कैच आउट हो गया अफान पॉइलन में वापस, और मैं मुबारकबाद देता हूँ एसवीआर हारने के टीम मेंबरान को और यंग बॉयज को मुबारकबाद देता हूँ कि अगले टूर्नामेंट के लिए उनको रनर अप रहे।
मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि चेयर पे बैठ जाए एफ आई एम ओलू के सदर साहब और आए हुए तमाम मेहमान से गुजारिश करता हूँ कि आपके लिए चेयर लगाए बैठे, प्राइज सेरेमनी का ये फंक्शन है, अपने अपनी जगह छोड़ ले। मैं दानिश मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि पॉइलन में आके बैठे, इरफान भाई से गुजारिश करता हूँ कि पॉइलन में बैठे, रिजवान भाई से गुजारिश करता हूँ कि पॉइलन में बैठे और यासिम भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो भी पॉइलन में बैठे और इस शुक्र भाई से गुजारिश करता हूँ कि पॉइलन में पॉइंट सेरेमनी में आ जाए, मुसरत कारवा से गुजारिश करता हूँ कि पॉइलन में आ जाए। चल के चल जाना ना वायर वायर एवढी छे तुम्हाला कुठच्या आपण देते ते सांग मला इथं लिख कोण हे उठे उठे माई बनते।